Hello everybody, welcome back to this channel. This is Akash Vimal. How you guys doing? I am back with another video and again apologies for the traffic voices. I've been quite busy with my schedules and all. काफी time से I was away, तो अब जितना भी काम करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा amount में है. So that's how we got a call from there's an uncle, he's very close to us, he lives in Scenic Farms. He gave us a call and it was about a blue bull. I'm sure sab jante honge blue bulls ke bare mein. Blue bulls ko hum hindi mein neelgai kehte hain. They are fabulous creatures, majestic males hote hain. They grow up to I don't exactly know the height, but it's around 6 feet or so. उनकी वो हाइट होती है एंड दे लुक ब्यूटिफुल. दे गेट अ लिटिल अग्रेसिव ऑल्सो जब उनका मेटिंग सीजन आता है. तो नील गाय जो होती है वो उससे काफ़ी सारे लोग नफरत करते हैं, स्पेशली फार्मर्स, क्योंकि वो आके उनके क्रॉप्स खा जाते हैं और यू नो बर्बाद कर देते हैं उनके खेत. बट दैट डजंट मीन कि हमें उनको मारना चाहिए या फिर ऐसा कुछ. एंड ब्लू बुल्स दे आर द एनिमल्स जो कि ह्यूमन सोसाइटीज के अराउंड ही रहते आए हैं शुरुआत से. सो वी गॉट अ कॉल, वी हैड टू रश and we went there and this is the scenario that we saw. There's a original footage, so yes, let's go. So we just got a call from Scenic Farms, as in it's like 27 kilometers or around that from my place. I just got a call that there's an orphan blue bull baby. I was really shocked क्योंकि blue bulls they never leave their child like that. पर वहाँ पर कोई है some labor or something जिसने उसको रखा हुआ था और उसके घर के आसपास he was wandering around. I don't have any other details and I was just you know I was very confused to what to do with it. पर सबसे पहले हम उसको अपने पास as in you know we have to go there and we have to see क्या condition है उसका. We have to look at the situation first. उसके बाद में वी हैव टू फाइंड सम रिहैबिलिटेशन फॉर हिम. हम उसको अपने पास नहीं रख सकते. आई वुड लव टू कीप हिम विद मी पर यू नो इट इज़ नॉट लीगल. हम लीगली उसको ऐसे अपने पास नहीं रख सकते हैं. इट कम्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. आप कोई भी नेटिव स्पीशीज, नेटिव वाइल्ड लाइफ यू कैन नॉट कीप एंड दिस इज हाउ इट इज. वी आर जस्ट ऑन आवर वे. इट्स काइंड ऑफ अ लॉन्ग वे. सो Let's go. I'll make you see everything. Don't worry. So yeah, let's go. They have the calf over here. They don't have any idea वो क्या है क्या नहीं, but they just want to keep it. As in वो उनको एक orphan बच्चा उनको मिल गया and they just want to keep it. So we have our Shiku uncle with us. Shiku uncle, he only gave us the call. I sound one Indian ringneck. Yes. Indian ringneck. There's an Indian ringneck. इतने छोटे cage में they are keeping it. इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ. तुम्हारे कोई तो ढूंढ रहे हैं यार. इधर आओ ना. इतने कुत्ते बहुत हैं बच्चे, देखना तो चाहिए कोई आया है क्या. कहाँ गया वो बच्चा? बच्चा क्या है? नील गाय का बच्चा. मेरे पास है वो आंटी का. आंटी का है आंटी का. लॉजिक में बड़ी. मेरे साथ होने आते हैं वो संगम यार. ये तुम्हें नहीं रखा गया पता नहीं अंदर ही होगा. एक बार आ जाना, घर दिखा दो उनका. हाँ तो आ जाना मेरे भाई, आ जा, कोई बात नहीं. तो क्यों टेंशन ले रहा है? तेरे भाई जैसे हैं यार, तो कैसी बातें कर. तो लेके गई है क्या वो? उसको अंदर होगा ना वो. एक्सक्यूज मी. हाँ जी, आ जाइए प्लीज. Also, they can even sell the calf if they want. So that's why we have to protect them. हाँ जी, है उनके लिए, उसके लिए है. Very good.
वेरी ब्यूटीफुल, आपको कहाँ से मिला ये? पैदा हुआ था ना तो झाड़ी में पड़ा रह गया था। झाड़ी में पड़ा रह गया था? हाँ। तो फिर आप इसको खिला पिला क्या रहे हो बेचारे को? निप्पल से दूध पिला रहे हो? So, there's the calf that they are having. इन्होंने काफी अच्छे से ध्यान रखा हुआ है इसका, and they also have the nipple. Okay, वो he's also feeding off the hand. क्योंकि उसको नहीं पता है. He's peeing right now. उसको नीचे रख दो थोड़ा सा. वो टॉयलेट कर रहा है. तो क्या इसमें क्या फिनाइल कैसे एसिड डाला था? पानी में ला के डाला था? रूई से फिनाइल लगा दिया यार, मतलब दिखाओ 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 एक बार दिखाओ दिखाओ ही इज पेसिंग अंकल ये इटली डर के नहीं कर रहा, उसके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनी हुई है. ठीक है बेटा, डर के कर रहा है ना, करने दो, तुम्हारे कपड़ों पे आएगा सारा यार, कोई बात नहीं. तो मैं तो वेरी नाइस ब्यूटीफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज हैविंग एन इंफेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड के पास. अरे 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 अरे, अरे अच्छा ओके ओके ओके, ही इज एक्चुअली मैं हंगरी, दे आर ऑलवेज हंगरी, पर बात यह है कि इसको अभी भूख लग रही है एंड हिज स्टमक इज स्वोलन लाइक एनीथिंग एंड ही इज पीइंग राइट नाउ. तो इनको ये ऐसे मिला एंड ही दे जस्ट काइंड ऑफ रेस्क्यूड हिम. अंकल अभी तो कुछ नहीं खिलाना है इसको, बिल्कुल अभी नहीं. लेडी जो बता रही थी कि इसकी लीव, ये कोशिश करता होगा अभी ना, नहीं खाता, खा रहा था ये. तो वी हैव आवर शीकू अंकल विद अस, इन्होंने ही हमें कॉल किया था. तो ही रेस्क्यूड हिम, बिल्कुल बिल्कुल. So he is very very young. He is like 15 days old. We have to figure it out about his rehabilitation and all. क्योंकि अगर हम इसको रखते हैं, हम इसको जंगल में वापस नहीं छोड़ पाएंगे. And he is such a baby. The thing is, blue bulls are one of the only left wildlife around us. Urban wildlife बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है and most of the animals just like you know some birds like sparrows and all वो यहाँ से जा चुके हैं. नील गाय भी बहुत जल्दी चले जाएंगे अगर हमने यही चाहते रहे तो. पीपल हेट देम, आई डोंट नो वाई. तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी देयर ऑन टाइम, क्योंकि उसका जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वहाँ पर उन लोगों ने उस पर फिनाइल लगा दिया था, उसकी वजह से ही डेवलप्ड एन इन्फेक्शन. और बाद की बात ये होती है, पीपल रेज देम, वो बच्चे चुरा कर लेकर आ जाते हैं, स्पेशली इन द स्लम्स एंड ऑल, वो बच्चे चुरा कर लाते हैं एंड देन दे ब्रीड देम एज एन यू नो दे नर्चर देम, वो बड़े हो जाते हैं, फिर दे सेल देम फॉर देयर मीट. या फिर एक और रीज़न होता है, हमने सुनने में आया था कि वो जो कामवाली थी जिसने जो इसको उठा कर लाई थी कहीं से, वो किसी से बात कर रही थी, वो जहाँ पर काम करती है इन सम फार्म हाउस और समवेयर, उन्होंने उसको बोला था कि आप इसको हमें दे दो, हम इसको रखेंगे. एंड दिस इज वॉट दे डू, दे यू नो रिच पीपल, दे एक्ट एज इफ दे आर सम पेट्स, और वो शो के लिए इनको अपने फार्म हाउस में रखते हैं, विच इज अगेन इलीगल, बट यू नो द सिस्टम इज नॉट दैट गुड. सो इसको हर 3 घंटे में दूध की जरूरत है. He's a very small orphaned blue bull baby, as in blue bull calf actually, but he's like.
So he is gonna be all comfortable. He is very stable right now. As you can see, he is not in stress. जिसकी हमें टेंशन थी कि इसको स्ट्रेस हो जाएगा. एंड ही इज गोना बी इम्प्रिंटेड बाय दिस गाय. ही वाज रेज्ड बाय हिम. सो व्हाट डू यू थिंक? मतलब एज इन क्या है? टेल अस समथिंग. चलो ठीक, कोई बात नहीं. ओके, ही इज गोना बी गुड. ही इज एन ऑर्फन बेबी ब्लू बुल एज इन द काफ. He's gonna be his friend. कभी भी हम इंसान का इम्प्रिंट नहीं होने देते. कोई भी जानवर है वो हो सकता है, but we cannot, you know, just have him. He is good. He was paralyzed, but he is doing good. Very nice. Very nice. Just take care of this fact कि आप किसी वाइल्डलाइफ को हर्ट नहीं कर रहे हैं. Don't make them as your pets. And yeah, just take care of your family, your pets and yourself also. अपने घर के आसपास के जानवर को अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए. And be safe from coronavirus. Keep your family safe. And don't forget to be wild.